नहीं मिल रहा है, नहीं तो मैं थोड़ा सा व्लॉग बना लेती अपना। मिल गया भैया, क्या कर रहे हो आप? ये आज इस आज एक्चुअली भी दिखाऊंगी। बाहर बाहर हम लोगों ने सारी सफाई कर डाली, सब कुछ साफ हो गया है बाहर से, बस एक रूम बचा है वो रैक्स के चक्कर में। कल भी हम रैक नहीं लेके आ पाए थे, कल मैंने कोई व्लॉग नहीं किया था, कल था फ्राइडे, मेरा फास्ट कल नहीं था। ये लो बाबू, देख रहे हो इधर, इधर देखो खाना खा रहा है, दाल चावल। तो खड़े होके ऐसे बैठे दिख नहीं रहे हो। हाँ दिख नहीं रहे हो, ये पीछे से क्यों देखता है हमेशा, दिखाते हैं अभी गनवा। तो कल हमने कोई व्लॉग नहीं किया था, कल एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड आई थी बाहर से, मतलब दिल्ली से आई थी, तो उसकी रात की फ्लाइट थी 10 बजे की। उसके बाद कल ममता का बर्थडे था, तो हम लोग उसको जैसे ही सी ऑफ किया है हम लोगों ने 8:30 बजे ये लोग यहाँ से निकले हैं। हम लोगों की कल गाड़ी भी नहीं थी, तो हम लोग ऊबर करके ममता का बर्थडे सेलिब्रेट करने का रात में वापस आए। 12:30 बज गया था, रात में ऊबर नहीं मिल रही थी, तो कल इनको समझ में आया गाड़ी की कीमत क्या होती है। 12 बजे रात में हनीमून चौराहे पे इसको लेके खड़े हुए थे, क्योंकि जो भी ऊबर हमने बुक करी थी वो 15 मिनट का टाइम ले रही थी, मतलब बड़ा वो हो रहा था तभी। अरे पानी 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 गिरा दिया मैंने, बट वो रुमाल था ना उसी, इसको यहाँ पे जरा सा लगा लीजिए। हेलो, कह रहा है मम्मा बंद कर दो, मैंने मम्मा गिरा दी है। नहीं जी बाबू, कपड़ा नहीं गीला करना बेटा। और आज जैसे कि आपने देखा बहुत सारे कपड़े हो गए थे, नो, बहुत सारे कपड़े हो गए थे वो मैंने धो के डाले हैं। किचन साफ़ करना, सुबह का नाश्ता तैयार करना, हम लोगों ने सब कुछ कर लिया था काम। बीच में 1 घंटे हम लोग अपने भी काम करते हैं, तो जिसके लिए भी बीच में टाइम निकालना पड़ता है। ये आज इन्होंने अपनी गाड़ी बाइक एक्चुअली हमारी आ गई है, बाइक और स्कूटी दोनों चीज़ें हो गई थी, तो साफ़ करके मैंने कहा किनारे लगा दीजिए, तो उसमें इतना खेड़ा था, ये इतना खेड़ा था कि वापस आके फिर ठंड लग जाती इसको, तो अच्छे से इसकी खूब बढ़िया से तेल मालिश करी थी। और उसके बाद में तेल मालिश कराते कराते सो गया यार, वो सीन में बता नहीं सकती, इतना मज़ा आ रही है। उसके सर में तेल लगा रहे थे, मैं उसके पैर में तेल लगा रही थी, वो मज़े में सो गया। उसको इतना अच्छा लगा क्योंकि बहुत देर खेला, आधा 1 घंटे तो थक गया खेल खेल के। तो सच बता रहे हैं, इतना अच्छा अंदर से फील होता है ना, बता नहीं सकती हूँ मैं आपको। जब आपका बच्चा रिलैक्स होता है, जो सोता है, हंसता है, खेलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर इसको ऐसे ही नंगू ये सो गए, इनको अच्छे से कंबल में लपेट के हमने सुला दिया, पूरे अच्छे से सरसों का तेल लगा के। और अभी ये जब सो के उठे थे, फिर इनको हल्का सा सिर्फ पानी से नहला दिया, मतलब थोड़ा सा साबुन लगाया फेस पे, बालों में शैम्पू नहीं किया था, अदरक ठंड लग जाती है इसको। और अभी मैं ऊपर कपड़े फैला ही रही थी, तब तक इनके रोने की आवाज़ आ गई, तो मैं भाग के नीचे आई, तो पता चला इन्होंने उंगली कहीं अपनी दबा ली थी, तो बहुत रो रहे थे। तो अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, लंच करने के बाद अभी हम बाहर जाएंगे। और एक चीज़ और मैं बता दूं, हम लोगों ने मतलब एक चीज़ डिसाइड करी थी कि हाँ सोफ़ा में लेना है, तो हम लोग अपना खुद का ही बनवा रहे हैं, डिज़ाइन देके खुद बनवा रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छा है ना। आपको जो मन करेगा कलर वो आप बनवा सकते हो, तो वही अभी जाना है सोफ़े वाले को ऑर्डर देने के लिए। डिज़ाइन जो आएगी मैं आपको दिखाऊंगी, मुझे बन के आएगा तो ही दिखाऊंगी, डिज़ाइन दिखा दूंगी फिर बन के आएगा डिज़ाइन, अच्छा थोड़ी दिखा देती हूँ, थोड़ी दिखा दूंगी, फिर लोगों की क्यूरियसिटी रहेगी ना बन के आएगा तो कैसा लगेगा, दिखाऊंगी। डिज़ाइंस वैसे हमने सेलेक्ट करी हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी मैंने सेलेक्ट करी हैं, उसमें से जो भी मुझे वहाँ पे मतलब अवेलेबल बन जाएगी बनवा लेंगे। और एक काउच बनवाना है हम लोगों को, क्योंकि मैंने ये सोचा था ये वाला जो सोफ़ा है इसको भी रिपेयर करा के मतलब काफ़ी कुछ अभी सोचा है जो 5-6 दिन लगेगा हमें करने में। और आज मेरी नानी आ रही हैं, मतलब मैं इतना खुश, अमित गया था कल कार लेके, इसी वजह से वो गया था, घर गया हुआ है, मतलब हरदोई गया है मेरे ननिहाल अपने ददिहाल, क्योंकि नानी को लेके आना था, नानी आ नहीं रही थी, मतलब कह रही थी कि नहीं हमारा भाई खेती का काम है, ये है वो है, तो कैसे तैसे करके मना के अमित लेके आ रहा है। तो वही अभी कार हमारी आई नहीं है, तो मे बी शायद हम स्कूटी से जाएंगे, अदरवाइज़ हम ओला करके जाएंगे, तो अभी कंफर्म नहीं है, पूछ लेते हैं अमित अगर आ रहा होगा, क्योंकि सिर्फ 1-1.5 घंटे का रास्ता है, आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो हम स्कूटी से चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी खाना खाते हैं फिर निकलते, और इसको ऐसे देखते ना, और जब सो के उठा है इसको पता है बहुत मज़ा आ रहा था, एक कंबल लपेट के सोया था ना, तो इतना खुश हो रहा था, इसको कंबल में पहली बार मैंने लपेट के बिठा दिया, और कम से कम 15 मिनट उसी कंबल के साथ खेलता रहा था मज़े में।
बस चोट लग गई बस थोड़ी सी, बाप बुरा बुम। बहुत मुश्किल है इनके साथ काम करना। अभी बस खाना खा के किचन साफ करा है, इतना काम कर पाए हैं, इससे ज़्यादा ये हमें करने नहीं देंगे, ये हमें समझ में आ गया है। क्या गल है तो उसको, हाँ वो वहाँ किनारे बहुत सही जगह है उसकी खड़ी करने की। ये देखो अब उसको, इसलिए मैंने इसको छोटा वाला रख लिया है कि ताकि यहाँ पे खड़ा करने की जगह हम लोग बन जाए। ये लो कैमरे में नहीं, वो गुस्सा है किसी बात पे, बहुत देर से रो रहा है। आ गोद में ले, खड़े हो गोद में ले, खड़े हो खड़े हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओ ये देखो हाँ बहुत गुस्से में है आज ये लड़का। अभी ड्राइंग रूम सही कर दे थोड़ा सा, इन्होंने इन्होंने अच्छा करके रखा। क्या कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है मुझे बाहर ले चलो। लोग जिसने गन्नू को रोते नहीं देखा है वो रोते हुए देख सकता है, ऐसे रोता है गन्नू। अच्छा ठीक है, सॉरी 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 कह रहा है मुझे बाहर घुमाने ले चलो। अच्छा चलो बाहर चले, बाहर चले, कहती हूँ उसी में रखी लाल वाले में। चलो अच्छा बाहर चले, ये देखो बाहर चले, ये देखो ठीक है, ये देखो ये कह ही यही रहा है, रुको ये कह ही यही रहा था बहुत देर से, बाहर चलो। ये देखो हमने ये रैक यहाँ पे लगा दिया है, ये पोर्शन पूरा साफ कर दिया है तो आपको ऐसा दिख रहा होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ना पुराने घर जैसा ही है, पुराने घर जैसा ही है, हाँ काफ़ी हद तक अभी ये रैक बहुत सही है। अगर आपकी कार भी आती है तो अभी उतनी जगह है कि रैक खुल जाएगी मेरी, और दरवाज़ा क्लियर हो गया है, और मैंने एक वाइंडिंग यहाँ पर टांग दी है, खुशबू आती रहेगी। और ये देखो हमारा गार्डन एरिया जो बाहर से बहुत सुंदर लगने लगा है। खड़े हो खड़े हो खड़े हो, ये हमारी बाइक भी आ गई, स्कूटी भी आ गई, इतनी जगह है यहाँ रखने की। कहाँ चले चलो, सोचो जब हमने लोगों ने यहाँ पे काम किया, सफाई करी, सब कुछ करा, धुला करा, ऊपर पहुँचाया बहुत सारा सामान, उतनी देर में इन्होंने खूब खेला है, खूब खेला है ना। चलो जाओ खेलो बाबू। मतलब आप ये सोचो कि ये देखो मुझे ये दो सेट बनाने थे, और ये बनाने के लिए कम से कम 4-5 दिन से मैं सोच रही थी बना, ये नहीं देंगे हम आपको, ये जो एक्स्ट्रा में थे दो ना वो हमने दे दिए। और ये कहाँ लगाए हैं ये, जितने चालू हो मैं भी आऊंगी, तुम अकेले नहीं ठोक सकते हो, सारे घर में काम। हाँ तुम चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, पापा जा रहे हैं, जल्दी चलो जल्दी जल्दी। मैं दिखाती हूँ मैंने कहाँ लगाया और कहाँ के लिए मंगाए थे, मैंने मंगाए नहीं थे मतलब मैंने बनाए हैं ये कहाँ के लिए, और बहुत तो अच्छा लग रहा है ना धूप का। और आप लोग पूछ रहे थे हमारा मंदिर कहाँ है, मंदिर कहाँ है, तो हम सबको बता दें हमने अपना मंदिर यहाँ रखा है जो बहुत ही किनारे है, बहुत ही अच्छी, ये दिखा आपको यहाँ मैंने लगाए हैं। मेरा बड़ा मन था इस दीवार में मैं कुछ अच्छा सा लगाऊं, तो मैंने यहाँ पे ये लगाए हैं, बन गया गन्नू। ये देखो ये हमारा तैयार हो गया, देखो 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 सामने देखो, अल्ले मिला गुद्दा। अभी यहाँ बल्ब लगाना है, एक और है वो लगा देंगे। तो ये एरिया मैंने ऐसे लगा दिया, सजा दिया, ये दीवार तो अच्छी लग रही है। ये तरीका क्या है गन्नू, क्या? हाँ अमित को जाना है शादी में। अरे हो गया तुम्हारा,
नल भी नहीं है। अरे बाप, लेकिन यहाँ पे एक एक्सपीरियंस हम लोग को बहुत अच्छा हो गया है कि नए घर में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कपड़े छत पे भूल गए थे, अभी भी याद आया है कि कपड़े छत पे हैं हमारे, तो इनसे बोला ले आइए, हम भी आ गए इनको लेके छत पे। ठंडा, ओ माय गॉड, ये देखो, हाँ इतने सारे कपड़े थे गन्नू, एक मिनट। अच्छा मैं सोची मैंने क्लिप लगा के रखी थी, क्लिप ऐसे हटी क्यों, आप हटा रहे हो। ये देखो दो रस्सी बांध दी है हमने यहाँ पे, बट बहुत आराम हो गई, बहुत अच्छा लगता है अब हमें, है ना छोटू। छत पे कपड़े डालो, आगे उठाओ, अभी हम भूल जाते हैं, अभी एक्चुअली में हम भूल जाते हैं क्योंकि हमें आदत नहीं है छत पे कपड़े डालने की। ये गन्नू के कपड़े हैं, अच्छा छोड़ो छोड़ो, अबे तू तो गिर जाते हो यार। अब आप ये सोचो लहसुन और प्याज ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, इसलिए लोगों को लगता है कि थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है, बट हो जाता बच्चे के साथ। इसने पूरे प्याज पूरे में फैला रखे थे, उसके बाद छिलके पूरे में फैला दिए थे, लहसुन पूरे में फैला दिया था, जो छीलना मेरे लिए बहुत मुश्किल रहता है, तो इसीलिए हम लोग धीरे 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 काम करते। ये अपने किसी क्लाइंट से मिलने गए थे, थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे, तो ये अभी थोड़ी देर पहले आए हैं बस। और आज चिकन बनने जा रहा है, चिकन के लिए मैं प्लीज़ इतना बता दूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आता रहता है, आप नॉनवेज क्यों खाते हो, आप नॉनवेज नॉनवेज मतलब छी छी, इस तरीके के कमेंट आते हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। वो इस वजह से क्योंकि कुछ लोगों ने इतना भी कह दिया कि आप इतनी पूजा पाठ करती हो, नॉनवेज खाती हो, कुछ आपको फलेगा नहीं, तो मैं कुछ नहीं कह सकती उनके लिए, ये हमारी अपनी पर्सनल चॉइस है। आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, या आप क्या खा रहे हो, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आप वेज खा रहे हो या आपकी पर्सनल चॉइस है आप नॉन वेज खा रहे हो। इसके पहले मैं कभी नॉन वेज नहीं खाती थी, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी नॉन वेज खाने वालों से, और अभी भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं खाती हूँ, मुझे पसंद आता है, इसलिए वो भी इनके हाथ का खाती हूँ, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है इसलिए। और जो खाता है जिसे अच्छा लगता है वो खाए आराम से, आप किसी की सोच नहीं बदल सकते हो, आप किसी के ऊपर अपनी चीज़ें थोप नहीं सकते हो। मेरी लाइफ मैं हर किसी से यही चीज़ कहती हूँ, आप किसी के ऊपर अपनी चीज़ें थोपिए मत, मतलब आप लोग खुद ही पढ़ा करो कभी नॉन वेज के लिए, इतने सारे कमेंट्स आ जाते हैं। बहुत अच्छी बात है आप वेजिटेरियन हो, बहुत अच्छी बात है आप सब कुछ करते हो, क्योंकि आप सच में आपका दिल साफ है क्या, वेज खाने वालों का ही दिल साफ होता है। तो यार ये क्वेश्चन अपने आप से आप पूछा करिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम नॉनवेज खाते हैं। और मैं आपको बता दूं कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि लोगों के घर में पूजा होती है और वो लोग नॉनवेज खाते हैं, कहीं कहीं पे ऐसा होता है, उड़ीसा साइड में भी ऐसा होता है शायद, और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे लोग पूजा भी करते हैं, नॉनवेज भी खाते हैं। बंगाल का ही आप देख लीजिए, फिश खाते हैं, पूजा होती है, फिश खाते हैं, सब कुछ करते हैं। हर जगह का अपना अपना एक रिलीजन है और हर जगह का अपने अपने कुछ हैं, सब कोई करता है, भगवान ऐसा नहीं है कि उनसे भगवान बात ही नहीं करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ ये वेज और नॉनवेज की जो लड़ाई मेरे कमेंट सेक्शन में होने लगती है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो ऑब्वियसली सर्दियां हो गई हैं और हम ये बहुत अच्छा बनाते हैं, तो मेरा मन करता है खाने का तो हम खाते हैं। आज तो ये था कि मेरे मामा के घर में नहीं बनता है, मामी नहीं बनाती, हमने जैसे आपको बता ही चुकी हूँ बर्तन अलग होते हैं, तो मामा इसलिए बनाते भी नहीं है, तो वही हमने कहा कि जल्दी बना देते हैं क्योंकि मामा थोड़ा जल्दी 8-8:30 बजे खाना खा लेते हैं मामा, तो मैंने कहा थोड़ा जल्दी मामा खा लेंगे, तो इसलिए जल्दी से मामा को बना के भेज देंगे तो मामा खाना खा लेंगे। और आज मैं आपको इनकी रेसिपी दिखाती हूँ, उस दिन उन्होंने बहुत यम्मी वाला चिकन बनाया था, तो जितने वेजिटेरियन लोग हैं उनको मैं प्लीज़ बता दूंगी आप इसको थोड़ा सा स्किप कर सकते हो अगर आपको नॉनवेज नहीं पसंद है, बट जो नॉनवेज लवर है मैं उनके लिए बताने जा रही हूँ कि पिछली बार इन्होंने अपना बेस्ट चिकन बनाया था, मतलब बहुत अच्छा कि मैं बता नहीं सकती हूँ, इतना अच्छा टेस्ट था। आप देख रहे हो ना ये होता है, ये मैंने इनको छील छाल के दे दिया था, कपड़े इधर रखे, मैं जा रही थी कपड़े तय करने, मैंने कहा आप तब तक ये कर दो, ये ऐसे ही करता है। हाँ क्यों गुस्सा नहीं हो गया, सोना है इसको, सो नहीं रहा है, इसमें भी नहीं बैठेगा, थक रहा है, देखना इसको देखो, कभी कभी ये ना बहुत परेशान हो जाता है। आ जाओ, अच्छा सुला दे रहे हैं हम आपको, एक मिनट।